गठबंधन से सावधान हो जाइए। कांग्रेस और सपा का गठबंधन दो काम करने के लिए आया है। एक, उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से हिस्सा काट करके मुसलमानों को देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जानबूझ करके देश का इस्लामीकरण करने की नियत से देश के अंदर तालिबानी शासन की व्यवस्था लागू करने की दृष्टि से देश को फिर से विभाजन की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह आपके आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कांग्रेस और सपा के लोग करेंगे और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं, कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भोजन है अल्पसंख्यकों का जो बहुसंख्यकों से इतर हो, और जो बहुसंख्यक समाज जिसको पसंद नहीं करता है, वह तो एक ही भोजन है और वह है मुसलमान गौमांस खाता है, हिंदू गौमांस से विरोध करता है, परहेज करता है, कहता है हम नहीं खाएंगे। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पे प्रतिबंध है, क्या आप कांग्रेस और सपा की साजिश में आएंगे क्या? क्या गौ हत्या करने देंगे क्या? क्या गौ कसी करने देंगे क्या? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट महापाप का कारण बनेगा और हम पाप नहीं होने देंगे, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मैं आपसे इसीलिए कहने के लिए आया हूं कि सरदेव बाबू जी कल्याण सिंह जी ने पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी तक को ठुकराने का काम कर दिया था। और बहनों और भाइयों, आज जब सरदेव कल्याण सिंह जी का सपना साकार हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो एटा कासगंज और अलीगढ़ के लोगों के चेहरे पर तो खुशहाली होनी चाहिए। खुशहाली है ना, है कि नहीं है खुशहाली? मुझे एक बात बताओ, क्या ये राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस सपा बसपा के लोग करा पाते क्या? क्या ये लोग करा पाते? क्या ये फ्री में राशन ये लोग दे पाते? और जो ये सुरक्षा, देखो एक तरफ राम मंदिर बन गया और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल गई है, क्या ये लोग इस सपा और बसपा कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, जब आपको सपा बसपा कांग्रेस न सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न ही आपकी समृद्धि में सहायक हो सकती है, और न शोरों का विकास करा सकती है, न यहाँ के हस्तशिल्पियों को सम्मान दिला सकती है, न नौजवानों का आजीविका दे सकती है, और न ही आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो इस समस्या को हमें पालना ही क्यों है? इसको कतई वोट मत दीजिए। मेरी आपसे अपील होगी, राजू भैया को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है, निषाद पार्टी सपोर्ट कर रही है, अपना दल सपोर्ट कर रही है, राजभर पार्टी समर्थन कर रही है और राष्ट्रीय लोक दल भी समर्थन कर रही है। और इसीलिए मेरी आपसे अपील होगी कि सरदेव बाबू जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से देश की सत्ता सौंपने के लिए श्री राजवीर सिंह राजू भैया को हम यहां पे फिर से सांसद बना करके भेजेंगे।